हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो ये आने वाले सीएचएसएल और एमटीएस 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल सेशन है, क्योंकि यहाँ से आपका पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 यहां पर होगा राइट आंसर, और ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉच डॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ओके, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का जो है वो प्रहरी है, और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है इसकी स्थापना का प्रावधान करता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 324 होगा यहाँ पर राइट आंसर, और ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपडेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स इन। तो कब आया ये? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो लागू हुआ कब? 2010 में ये लागू हुआ। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बायकामल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से, किस देश से जो है ये लिया गया है? तो ब्रिटिश से लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था, और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, तो बी एन राव को नियुक्त किया गया था। तो आंसर क्या होगा? बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, कितने सदस्य थे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 7 मेंबर्स थे इसमें। ओके, कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स। नेक्स्ट है हु हैड हेडेड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, और ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी। ओके, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी। ओके, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा यहाँ पर राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो सिंगल सिटीजनशिप होगा। ओके, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता जो है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया, यानी कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया?
तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, किनका रोल बहुत ही ज़्यादा है, तो बी आर अंबेडकर का है, यानी कि भीमराव अंबेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कब होता है संविधान दिवस, ये तो सब लोग आप जानते होंगे, 26 नवंबर को होता है क्या संविधान दिवस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the first constituent assembly election held in India? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था, क्या होगा डेट? तो राइट आंसर होगा 1946। ठीक है, पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग लुसेंट के बुक से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक बार अच्छे से खुद से भी पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि जो इस बार CGL 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CHSL और आने वाले MTS एग्ज़ाम में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, वो ईयर कौन सा था, तो वो ईयर था 1928। ओके, 1928 ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी ओके आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रटर्निटी, तो राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो कनाडा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो ये किस में वर्णन किया गया है, तो पार्ट 4A में वर्णन किया गया है, मेंशन है किसमें, पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4A। नेक्स्ट है, भारत में राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, मिनिमम एज क्या होगा, है ना, मिनिमम एज क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, 35 इयर्स होगा। ठीक है, गवर्नर बनने का जो मिनिमम एज है उसका कितना, वो कितना इयर्स है, 35 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 360 में है, और आर्टिकल 360 से एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0, यानी कि एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, है ना, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था, पहला कानून मंत्री कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, बी आर अंबेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, तो ये अभी हम लोगों ने किया है, मिनिमम एज क्या है, 35 इयर्स है। ओके, नेक्स्ट है, द टर्म सोशलिस्ट वॉज ब्राउट इन टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट।
समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट होगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, तो आर्टिकल 17 ये क्या है, यह है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिकल 17, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, धन विधेयक ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में मेंशन है मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, है ना, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो 42nd अमेंडमेंट को ही कहा जाता है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था नेशनल इमरजेंसी जब लगा था 1976 में, तब बहुत सारे चीज जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 21A होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 15 में, ठीक है, आर्टिकल 15 रिलेटेड है आपका, ठीक है, किससे, तो ये यहाँ पर जाति धर्म, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको ये रोकता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, तो कौन कार्यभार संभालेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है, वो एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, और कौन है करेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नेतृत्व की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी, ठीक है, तो विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स, तो ये हुआ था 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963, ठीक है, 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963, इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, रिटायरमेंट का एज 60 से कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो आर्टिकल 368 होगा राइट आंसर, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन,
तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये भारत ने किस कंट्री से लिया है, किस कंट्री के संविधान से लिया है जुडिशियल रिव्यू, तो US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स होगा यहाँ पर राइट आंसर, US से लिया गया है। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो कितने वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो 6 ईयर्स होगा यहाँ पर राइट आंसर। अमूनन 5 ईयर्स के लिए PM प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं उनको 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चे जो हैं 5 ईयर्स पर टिक मारेंगे कन्फ्यूजन में, लेकिन आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंट। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है ये किस वर्ष किया गया था, तो भारत के संविधान में जो पहला संशोधन था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था पहला संशोधन, है ना, पहला संशोधन हुआ था फर्स्ट, कब, 1951 में। नेक्स्ट है कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग ने पढ़ा है पहले कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, ये भी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ना, कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं भारत के, वो जो है शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस। देखिए, अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, तो कितने मेंबर्स को जो है नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपर हाउस में, तो टोटल 12 मेंबर्स को, ठीक है, 12 मेंबर्स होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवेन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो 10th शेड्यूल में आता है, ठीक है, 10th शेड्यूल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, है ना, जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का ये है किस कंट्री से लिया गया है, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लोग जानते होंगे कि टोटल 5 रिट जो हैं ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है ना, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये काम है किसका, भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे उनका ये काम है ना, कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया wants to resign, he would address his resignation to the। तो अगर मान लीजिए कि कोई भारत, मतलब मान लीजिए कि भारत के प्रेसिडेंट हैं, उनको अपना, अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, है ना, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको देंगे वो, है ना। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को जो है वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है, तो टोटल 11 मेंशन्ड है, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, तो 11 है।
नेक्स्ट है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है यानी कि एकल नागरिकता जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, ये दो सदन है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये कौन करता है, ये करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन, तो पहली लोकसभा का जो पहला सत्र था वो कब से शुरू हुआ, तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे वो नियुक्त करेंगे किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंस, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां भी राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितना है, न्यूनतम आयु कितना है, तो 35 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, वो थे बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह, ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो बलदेव सिंह। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एकदम याद होना चाहिए, कि जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, बी आर अम्बेडकर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, तो अमृत कौर, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कौन थे, तो जग जीवन राम। ये आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड बाय, तो ये अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ पीएसी, जो पीएसी के चेयरमैन होते हैं यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंटेड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो पार्ट 8 में क्या मेंशन है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यूनियन टेरेटरीज से, है ना, पार्ट 8 किससे संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 347 में मेंशन है, है ना, आर्टिकल 347। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 23 और 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में है, ठीक है, आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। जो एडवोकेट जनरल होते हैं किसी भी राज्य के, उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये काम किसका है, ये काम है गवर्नर ऑफ द स्टेट्स का, ठीक है, जो गवर्नर होंगे स्टेट के उनका काम है ये, वो नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, तो 101st अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये है आर्टिकल 244 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, तो टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 44 में है ये मेंशन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 61 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर, है ना, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 में ये मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 153। नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट होता है फाइनेंस कमीशन का वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 280 में ये मेंशन है। नेक्स्ट है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपने त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज या हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, किसको देंगे, तो डिप्टी जो स्पीकर होंगे लोकसभा को उसको, ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने दिन के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट है, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, है ना, तो कब कंप्लीट हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो है रिटायरमेंट एज कितने साल का होता है, तो 65 इयर्स का होता है, ठीक है, 65 इयर्स होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो इनका नाम है जीवी मावलंकर, ओके, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो ये पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ओके, प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को
कितने महीने के भीतर भरा जाना चाहिए, तो 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 6 मंथ्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल में है? 3 टाइप की इमरजेंसी हैं, तो यहाँ पर जो नेशनल इमरजेंसी है ये है आर्टिकल 352 में, है ना, नेशनल इमरजेंसी 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा को संविधान को अंतरिम रूप देने में कितना समय लगा, टोटल कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये किस आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इक्वालिटी बिफोर लॉ से? तो आर्टिकल 14। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 22, ठीक है, 22 राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये किस आर्टिकल में है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 29 है रिलेटेड, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का। नेक्स्ट है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से? तो आर्टिकल 39A, है ना, 39A। नेक्स्ट है इन विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड एज 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, तो किस अमेंडमेंट में जो है, मतलब किस संशोधन अधिनियम में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एसेंट टू बिल्स, यानी कि विधेयकों की को स्वीकृति की किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो एसेंट टू बिल ये किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 111। नेक्स्ट है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वेयर इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545, तो पहले 525 था जिसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम में सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो ये हुआ 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है, इस अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोवा वाज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली, तो गोवा को कब बनाया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद फुल फ्लेज स्टेट? तो 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो पहले कितने अनुच्छेद थे? तो टोटल 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395। नेक्स्ट है Which of the following articles of the Constitution vest the executive power of the Union in the President? संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है? आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट,
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, तो ये किस देश से बोरोड किया गया? कंकरेंट आइडिया जो है कंकरेंट लिस्ट का, ये किया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के द्वारा नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है कास्टिंग वोट, ठीक है, कास्टिंग वोट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 58 होगा राइट आंसर, ये है आर्टिकल रिलेटेड एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 32 में मेंशन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल 61। नेक्स्ट है विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह है आर्टिकल 24। नेक्स्ट है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया वॉच इन इंडिया आर चेयर्ड बाय द, भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर थे बी एन राव। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ एस सी एंड एच सी जजेज आर जजेज वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस को हटाने की जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, ये लिया गया है USA से, और जो प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है ये भी USA से ही लिया गया है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, तो ये तीन टाइप का हो गया इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल 356, नेशनल इमरजेंसी 52, 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजित करने का निर्देश देता है, ये करता है आर्टिकल 40। ओके, तो इस सेशन में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किया है, और जिन लोगों ने पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनको ये सेशन अटेंड करने में बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उनको लगा होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर आया है ईमानदारी से आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका स्कोर 80 से ज़्यादा है इसका मतलब आपने पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, है ना।
तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना है आपको, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एसएससी क्रैकर्स है टेलीग्राम चैनल का नाम, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।